हेलो बच्चों, आज हमारी मैथ की क्लास है, फिफ्थ क्लास की, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे लार्ज नंबर को। लार्ज नंबर हमने पिछली क्लास में देखा था, कितने भी डिजिट्स का जो हमारा बिगेस्ट नंबर होता है या लार्जेस्ट नंबर होता है, उसके अंदर हम जैसे ही वन ऐड करते हैं तो हमारे जो नेक्स्ट डिजिट्स के स्मॉलेस्ट नंबर बन जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारा सेवन डिजिट्स का क्या है, लार्जेस्ट नंबर है। इसमें वन ऐड करते हैं तो ये हमारा एट डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा। ये सब मैंने आपको पिछली क्लास में करवा दिया था, और इसके अंदर हमने क्या क्या डिस्कस करा था एक बार देख लेते हैं। हमने सेवन और एट डिजिट्स के लार्जेस्ट नंबर को देखा था किस तरीके से बनेंगे, और इसमें हमने सीखा था इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, जिसके अंदर हमने क्या देखा था, जो हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है वो एक जो हमारी वैल्यूज होती है, जो हमारा नंबर होता है उसके नंबर ऑफ पीरियड में डिवाइड करता है, और जो पहले पहले जो थ्री प्लेसेस है उसका वन पीरियड बनाते हैं, और उसके बाद में टू टू प्लेसेस का हम एक पीरियड बनाते हैं। इस तरीके से हम इंडियन नंबर ऑफ सिस्टम में इसको क्या करते थे, चार्ट को बनाते थे। ठीक है, जैसे देखो पहले थ्री डिजिट्स, उसके बाद में कॉमास लगाएंगे हम टू 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 डिजिट्स को छोड़ के, ये हमने कर लिया था, और ये टेबल भी हमने क्या कर ली थी, डिस्कस कर ली थी। आज हम जो सीखेंगे वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन सीखेंगे, मतलब इंटरनेशनली हमारा जो एक नंबर होता है उसको किस तरीके से हम प्लेस वैल्यू चार्ट पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखो इन द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट ऑल पीरियड हैव थ्री प्लेसेस। हमारा जो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट होते हैं उसमें जो हमारे सारे के सारे पीरियड्स होते हैं उसमें थ्री प्लेसेस होती हैं, तीन तीन प्लेस को हम लेते हैं। ठीक है, इन दिस सिस्टम ओनली थ्री पीरियड्स, इसमें थ्री पीरियड्स होते हैं, वंस थाउजेंड्स और मिलियन, इसमें थ्री पीरियड्स रहेंगे हमारे, वन थाउजेंड्स और मिलियन आर यूज्ड टू ग्रुप द फर्स्ट नाइन प्लेस, और ये हमारे जो फर्स्ट नाइन प्लेसेस हैं उनको यूज करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। These places are grouped in three periods. इन places को हम तीन periods के अंदर divide करते हैं, जो क्या रहेंगे, in this system we write, हमारा जो one lakh है, हम जिसको Indian जो place value chart है हमारा, उसके अंदर one lakh को हम क्या लिखेंगे, hundred thousands, international system of units के अंदर हम क्या करेंगे, one lakh को hundred thousands लिखेंगे। जो हमारा ten lakh है उसको one मिलियन लिखेंगे, और जो हमारा वन करोड़ है उसको हम टेन मिलियंस लिखेंगे, और जो हमारा टेन करोड़ है उसको हम हंड्रेड मिलियंस लिखेंगे। तो जो हमारी इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट्स के अंदर वैल्यू जो लाख और करोड़ के अंदर होती है वो थाउजेंड्स और मिलियन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अभी देखेंगे हम किस तरीके से हमारा जो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट है वो बनता है। देखो हमारे यहाँ पे थ्री पीरियड्स है, सबसे पहला आ गया वंस का, सेकंड आ गया थाउजेंड्स का, थर्ड आ गया किसका, मिलियंस का। वंस के अंदर देखो वन टेन एंड हंड्रेड, थ्री प्लेस वैल्यू के लिए हमने दे लिए वंस के अंदर, ये वाला और ये वाला। थाउजेंड्स के अंदर हमने आगे थ्री प्लेस वैल्यू और ले ली, टेन थाउजेंड्स, थाउजेंड्स, टेन थाउजेंड्स और हंड्रेड थाउजेंड्स। उसके बाद में हमने मिलियंस के जो हमारे नेक्स्ट थ्री प्लेसेस हैं उनकी वैल्यू ले ली, मिलियंस, टेन मिलियंस और हंड्रेड मिलियंस। ये हमारा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट होता है। इसमें जो अब हम कॉमास का यूज करेंगे, कोई भी नंबर लिखर का है तो उसमें हम क्या करेंगे, थ्री थ्री प्लेस को छोड़ के, डिजिट्स थ्री थ्री डिजिट्स को छोड़ के, और हम कॉमास का यूज करेंगे। जैसे अरेंज द फ्लोइंग न्यूमेरल विद प्रॉपर कॉमास यूजिंग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमेरल। देखो हमारे पास ये नंबर दिया गया है ना, हम इसमें क्या करेंगे, थ्री थ्री डिजिट्स को छोड़ के और कॉमास का यूज करेंगे। यहाँ पे ना पहली कॉमा, यहाँ पे दूसरी कॉमा, यहाँ पे,
तो यहाँ पे और यहाँ पे आगे हमारे थ्री डिजिट्स नहीं बन रहे हैं, थ्री डिजिट्स या थ्री प्लेस पूरे नहीं हो रहे हैं, तो हम आगे यहीं पर छोड़ देंगे इसको, ठीक है। इसी तरीके से इस नंबर में भी और इस नंबर में भी, देखो थ्री डिजिट्स को छोड़ यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, आगे हमें लगाने की जरूरत नहीं है कोमा, क्योंकि आगे हमारे और डिजिट्स नहीं है, थ्री तक ही है, ठीक है। इस तरीके से हम कोमा का यूज करेंगे इनके अंदर। अब देखते हैं हम इन नंबर्स को जो हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट है उसमें कैसे करेंगे। अभी हमने टेबल को डिस्कस किया था जिसमें वनस, थाउजेंड्स और मिलियंस थे, वनस, थाउजेंड्स और मिलियंस, और ये हमारी क्या दी गई थी, पोजीशन दी गई थी, क्या थी, वनस के लिए वनस, टेनस और हंड्रेड्स, थाउजेंड्स के लिए थाउजेंड्स, टेन थाउजेंड्स एंड हंड्रेड थाउजेंड्स, मिलियंस के लिए मिलियन, टेन मिलियन एंड हंड्रेड मिलियन। तो ये जो नंबर है इसको देखो आप, यहाँ पे और यहाँ पे कोमा, तो इसको कैसे रीड करेंगे हम, 73 मिलियंस 241,089, ये हम इसको इस तरीके से रीड करेंगे। अभी जो ये वाली थ्री वैल्यूज है ये हमारी वनस वाले ग्रुप के अंदर आएगी। सबसे पहले क्या है, नाइन, देन वनस पे नाइन, सेकंड पे क्या है एट, एनएस पे एट, और हंड्रेड्स पे क्या है जीरो, तो हंड्रेड्स पे जीरो। उसके बाद में चलेंगे हम थाउजेंड्स वाले पीरियड में, इसमें हमारी थाउजेंड्स पे क्या है वन, टेन थाउजेंड्स पे क्या है फोर, और टेन हंड्रेड थाउजेंड्स पे क्या है टू। उसके बाद में आगे मिलियन पे, मिलियंस वाले ग्रुप, मिलियंस पे क्या है थ्री, और उसके बाद में टेन मिलियंस पे क्या है सेवन। इस तरीके से हम इस नंबर को इस वैल्यू चार्ट के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके से इसको एक कोमा यहाँ पे, एक यहाँ पे, थ्री थ्री आ गया ना, पहले पे क्या है सिक्स, दूसरे पे वन, थर्ड पे थ्री, फोर्थ के ऊपर फाइव, सिक्स्थ में एट, सेवन्थ में नाइन, एट्थ में टू, उसके बाद में सेवन, और उसके बाद में क्या फोर। इस तरीके से हम इन नंबर्स को क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू चार्ट्स पे रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट्स। तो ये आपको जो आगे का एग्जांपल है वही करना है। आज का जो आपका होमवर्क रहेगा वो क्या रहेगा, एक्सरसाइज 1.1, ये आपको घर से कंप्लीट करनी है, और ऊपर जो मैंने करवाया है सारा कुछ जितना भी, वो आपको क्या करना है, कॉपी में राइट करना है। जो पिछली क्लासों में हमारा जितना भी हुआ है वो आपको क्या करना है, कॉपी पे राइट करना है, एंड आपको क्या करना है साथ में लर्न करना है। इसमें हमने क्या क्या करा है, लार्ज नंबर करा है, किस तरीके से लार्ज नंबर का आगे फॉर्मेशन करेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट करा है, जो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट है वो करा है, और इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है वो भी करा है। एक्सरसाइज 1.1 करनी है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ एक्सरसाइज 1.1 के डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो करवा दूंगा, जितने आपसे होते हैं वो सारे के सारे आपको क्या करने हैं, कंप्लीट करने हैं। यही आज का आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। और जो हमारी सैटरडे को ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होती है उसमें भी आपको क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है, टेस्ट देने हैं सारे के सारे बच्चों को, ताकि आपको पता लगता रहे कि आप कितना कुछ पढ़ रहे हो, कितना कुछ आपको आ रहा है, और कहां कहां पर आपको प्रॉब्लम्स आ रही है। ठीक है, थैंक यू।